हमारी धरती इतनी विशाल है कि अभी हम पूरी तरह से इसे जान भी नहीं पाए हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि धरती के केंद्र यानी कोर में भी एक अलग दुनिया का अस्तित्व हो सकता है जिससे हम अब तक अनजान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड न्यूज और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाताल लोक का रहस्य। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। क्या है होलो अर्थ थ्योरी? प्राचीन काल से ही लोगों का यह मानना रहा है कि पृथ्वी अंदर से एक खोखले शंख के जैसी आकृति लिए हुए है। इसके अंदर कई प्राचीन सभ्यताएं निवास करती आई हैं। फ्रेंच उपन्यासकार जूल्स वार्न ने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विषय पर सिलसिलेवार काफी कुछ लिखा है जिसने इस थ्योरी को और भी हवा देने का काम किया। मजे की बात यह है कि इसके बाद कई लोगों ने धरती के केंद्र तक की अपनी यात्रा की कहानी ही सुना डाली, लेकिन इसमें सबसे खास कहानी रही एडमिरल बियर्ड की। यह वह दौर था जब दुनिया पर भारी आर्थिक मंदी छाई हुई थी और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर थी। इसी समय यूएस नेवी में काम करने वाले एडमिरल रिचर्ड ई बियर्ड ने धरती के ध्रुवों तक की यात्रा की। अपनी डायरी में वे लिखते हैं कि अपनी ध्रुवीय यात्रा के दौरान वे गर्म और नम जलवायु के संपर्क में आए। यहाँ उन्हें मैमथ जैसे जीव और एक प्राचीन मानव प्रजाति मिली जो धरती के अंदर निवास करती थी। उन्होंने बियर्ड के प्लेन को बीच रास्ते में ही अपनी उड़न तश्तरी जैसी विमानों की मदद से रोक दिया। ये लोग धरती के केंद्र में रहने वाली अगरथा सभ्यता के लोग थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले एटम बम को लेकर चिंता जताई और बियर्ड के हाथों अपना संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजा। बियर्ड ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने वहाँ नाजियों को भी देखा था। हालांकि डायरी में लिखी गई बातों और तारीखों पर काफी विवाद हुआ। कुछ ने इन बातों को सच माना तो कुछ ने इसे महज एक अच्छी खासी कल्पना बताया। क्या हिटलर जा छुपा था धरती के केंद्र में? धरती के केंद्र में बसने वाली इस सभ्यता अगरथा की खोज हिटलर ने भी की थी। दरअसल माना जाता है कि हिटलर अपने हथियार छुपाने और नए नए हथियारों के परीक्षण के लिए आर्कटिक क्षेत्रों का इस्तेमाल करता था। उसके पास से 1935 तक के बनाए जो भी नक्शे मिले हैं उनमें अगरथा की भी कुछ झलक मिलती है। प्राचीन कहानियों में भी है जिक्र। दुनिया की हर प्राचीन ग्रंथ में एक ऐसी सभ्यता का जिक्र जरूर होता है जो धरती के अंदर बसती है। ज्यादातर सभ्यताओं में यही माना गया है कि धरती के अंदर बुरी आत्माओं का निवास होता है। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ धरती के अंदर 7 परत के नीचे पाताल लोक की कल्पना की गई है जहाँ राक्षस और नाग जैसी जातियाँ रहती हैं। नागों को तकनीकी मामले में काफी विकसित और उन्नत सभ्यता बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में एक रहस्यमय शहर शंभाला का जिक्र मिलता है जो हिमालय के पहाड़ों के बहुत अंदर कहीं बसा हुआ है। देश विदेश के कई लोग आज भी इस शहर को खोजने की कोशिश में हिमालय के चक्कर लगाते रहते हैं। माना जाता है कि शंभाला अगरथा से ही जुड़ा हुआ शहर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें वर्ड टू वर्ड के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।